लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग, क्या मैंने डिस्कशन किया था? तो ठीक है, वी आर डिस्कसिंग दैट लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अभी भी अपन लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन को ड्रॉबैक देखने थे, या उसको लिमिटेशंस बोल सकते हैं, और द लिमिटेशंस। एक तो लिमिटेशन था ना कि भाई जिन मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता, उनके लुईस स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे अपन? तो एक तो था, दैट इज कॉल्ड हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो अपन ये नाम उन मॉलिक्यूल्स के लिए देते हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अपन कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते। इन विच ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट कंप्लीट, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट कंप्लीट, सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, एटम इज इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट होगा उनमें ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, देन दे विल नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। फिर वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल बता दो भाई, तो अपन कहेंगे एग्जाम्पल जैसे BCl2 है, इसमें अपन कभी ऑक्टेट कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे बेरिलियम का, है ना? बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपन को पता है ना, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 होते हैं। अब बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो 2 क्लोरीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, तो इसके तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 2 इधर और 2 इधर बेरिलियम के लिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो नहीं सकता उनका। तो अपन कहेंगे भाई बेरिलियम जैसे मॉलिक्यूल के लिए अपन ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर अपन कहेंगे भाई BeCl2, और भी एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, जैसे अपन लिखेंगे BeCl2 हो गया, BF3 मॉलिक्यूल हो गया, देन वी कैन राइट दैट BCl3 भी लिख सकते हैं अपन, AlCl3 भी लिख सकते हैं अपन। तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज Al के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एल्यूमिनियम के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंस शेल में? 6। एक ये बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल जो होंगे ना, जिनको अपन, जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उनको अपन कहते हैं हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये कभी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकते। दूसरा अपन लिखेंगे, जैसे हाइपोवेलेंट होता है वैसे हाइपरवेलेंट भी होगा, हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल। तो ये हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल क्या होगा? तो अपन कहेंगे इन विच द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज एक्सपैंडेड, in which octet of central atom is expanding, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसको अपन कहते हैं expanding। उसमें ना 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो भाई फिर किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे वो? तो अपन कहेंगे ऐसे होंगे ना, एग्जाम्पल राइट PCl पे, अब भाई फॉस्फोरस के तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और 5 क्लोरीन है, मतलब इसके अराउंड में 5 बॉन्ड बनाने वाला हूं, क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर अपन 5 बॉन्ड बनाएंगे तब तो फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 10 हो गया। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है क्या? हाँ सर। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, अच्छा ऐसा ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, अपन ठीक है, सबके लिए अपन वैसे कुछ करते हैं ना जिससे सबके लिए कुछ हो जाए। मतलब ब्राइटनेस का रीजन क्या है वो देख लेता हूँ ना मैं, रीजन क्या है ब्राइटनेस का, क्योंकि अभी अभी क्लास लिया तो उसमें तो नहीं बोले बच्चे की ब्राइटनेस है, तो अपन कुछ करते हैं। रुक जा, अभी ठीक है सर। अपन को जिसने बोला था उसी से ही पूछ लेते ना अपन, किसने? राज, बड़ा अच्छा नाम है। अब बताओ राज, ठीक है? यस सर, बोल रहे हैं ठीक है अभी।
अच्छा ठीक है, तो चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत अगर ऐसे कुछ आता है तो बता देना मुझे। अच्छा अपने पास कुछ क्वेश्चंस भी थे सर, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है क्या? नहीं आ सकता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे आएगा? अपन क्या करेंगे ना, जैसे जब अपन इसमें इलेक्ट्रॉन जब ऐसे आ गए, अब मान लो अपने पास एक सीएल बचा हुआ है और सीएल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं गए, 7। अब 8 हो गया, तो जैसे अपन कहेंगे अब ये इसके पास ये 8 हो गया, 3 सीएल को लेने के बाद ये 8 हो गया। अब अपन कहेंगे 2 सीएल बचे हुए, अब कोई एक सीएल से ही बना सकते हैं ना, और कोऑर्डिनेट क्यों बनाएंगे, सीएल को 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसमें तो अपन बना ही नहीं सकते कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो अपन तब बनाएंगे जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने, ठीक है राइट। और एक क्वेश्चन अपने पास था, कैन मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अ नॉन मेटल? मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अ नॉन मेटल? नहीं, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के साथ। मेटल बनाएगा तो अब मुझे फंसा दिया तुमने, हाँ होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर केसेस में ही बनाएगा, जब नॉन मेटल कार्बन जैसे होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता ना, तो नॉन मेटल अगर कार्बन जैसे है तो मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और उसके लिए तो अपन पूरा एक पार्ट पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, तो बताऊंगा मैं उसको फिर, ठीक है। AlCl3 इज नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर अपन से कोई पूछेगा एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, इट इज ऑलवेज अ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर अपन से कोई कहेगा, जैसे अपन ने पढ़ा था कि भाई अपने पास एक लिथियम है और एक क्लोराइड है, Cl है, बताओ ये आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड है, तो अपन कहेंगे एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, इट इज आयनिक कंपाउंड, तो अपन इसको आयनिक बताएंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, फास्फोरस से अपन ने कैसे लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना सीखा था भाई, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो पेयर्स में, लिख दिया, अब जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, लो भाई 1 2 3 फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, अभी भी 2 सीएल बचे हुए हैं, तो सीएल से कोऑर्डिनेट, सीएल की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी नहीं बन सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी सीएल बना ही नहीं सकता इसकी तरफ, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि 7 तो पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ले गए, समझ में आया, ठीक है। अब अपन लिखेंगे भाई, इसमें ना सीएल है और इधर भी सीएल है, ये आ गया अपने पास, तो इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, बता देंगे अपन, ठीक है भाई। दूसरा अपन लिख सकते हैं, दैट इज PCl5 हो गया, SF6 हो गया, ICl3 हो गया, ऑल नॉन मेटल्स, बिटवीन द नॉन मेटल्स दैट इज ऑलवेज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, IF7 हो गया, लेट ना SO2 हो गया, CO2 हो गया, ऑल नॉन मेटल्स ना, SO3 हो गया, एक्सेट्रा। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जैसे अपन इसमें लिख रहे थे हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, अभी रुकना है, मैं हाइपर वैलेंट को देख लेता हूं वैसे। सो SF6 हो गया, IF7 हो गया, SO3 हो गया, लाइक दैट वी कैन राइट। SO3 में तो अपन फॉलो करवा भी सकते हैं, बट इसमें तो कभी फॉलो नहीं करवा सकते, ICl5 हो गया तो नहीं हो पाएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, बोलो कोई डाउट है किसी को, SF6 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 तो पहले से ही है, तो कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे अपन को, 1 2, लो भाई अपडेट कंप्लीट हो गया, लैपटॉप में ना पाइजेस नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, नेट कर दे लैपटॉप में सिखा, ना ही पागल में ना नोट्स बनवाए, सत्यम म्यूट करके रखो अपने आप को, हम लोग भी मतलब पढ़ रहे हैं, तो अपन ऐसे करेंगे है? इसको एफ करेंगे, इसको भी एफ करेंगे, इधर भी एफ होगा और इधर भी। अभी इसके तो कितने बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड हो गए, ऑब्वियस ही बात है ऑप्टिक एक्सपेंड हो गया इसका, तो अपन बता, ठीक है भाई, अपन बता सकते हैं अपन को क्या करना है, तो जिनमें ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहे होंगे, मतलब सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनको अपन क्या बोलेंगे, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, उनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, इनमें ऑक्टेट रूल अपन फॉलो नहीं करता,
अपन लिख देंगे भाई उनको हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं जिनमें की 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सेंट्रल एटम में, तो उनको अपन बोलते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स विच हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना? तो वो मॉलिक्यूल जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनका ऑप्टेट उनको इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कैसे? भाई अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि भाई हमारे पास गिवन है जैसे, राइट कि जैसे अपने पास गिवन है कि भाई एनओ मॉलिक्यूल बनता है, उनको पता है एनओ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अब तुम लोग ना ये सब चक्कर में मत पड़ो अभी अभी, राइट ना, कि सर हाउ इट इज पॉसिबल दैट देयर विल बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, उससे ज्यादा होते हैं ऑर्बिट में थोड़ी कह रहे हैं, किसके ऑर्बिट में अपन 8 इलेक्ट्रॉन, अपन तो शेयरिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट की ऑर्बिट में थोड़ी डाल रहे हैं किसी के इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और बाकी पार्ट आप चिंता मत करो, आप लोग मतलब जैसे कुछ कुछ और भी लिख देते हैं कि भाई why AlCl3 is not ionic, तो वो AlCl3 ionic compound क्यों नहीं है ये नहीं कहा। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना AlCl3 ionic compound या covalent compound है तो मैं उसको ionic ही बोलूंगा कि इसमें ionic bond है। अब compound आप decide करो कि क्या करना बोलना है, तो वेट करो, you will get every answer, ठीक है ना? थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है जल्दबाजी मत करो, ऐसे मिक्स मत करो, इधर पढ़ रहे हो आप लुईस ऑक्टेट थ्योरी और अपन उधर मिक्स करें कि भाई आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो वेट करो, यू विल गेट ऑल आंसर्स। तो आप पहले इस पर फोकस करो जो है। तो अपन क्या करेंगे, एनओ अपने पास है, अब नाइट्रोजन के तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा? फिर इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता इसमें, तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा फिर इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये किसने कहा कि एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल तो कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। आप पढ़ा क्या रहे हो, लुईस थ्योरी, तो भाई ऑक्टेट की बात करना, तो पहला थ्योरी है, अभी तो शुरुआत है बॉन्डिंग का, तो क्लासिकल थ्योरी है, मतलब जैसे पुराने जमाने में होते थे ना ब्लैक एंड व्हाइट वाले गाने, उस टाइप की बात करना है, तो आना है बत्तो आगे, तो अब गाने की बात नहीं करेंगे लेकिन है अच्छा सर ठीक है सर पॉप सॉन्ग तक आओगे ना, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे भाई ठीक है, फिर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता क्या? करता है ना, मैंने कब कहा नहीं करता, आपने कहा नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल ऑक्साइड, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? अब वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसमें इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुझे ऑड इलेक्ट्रॉन को रखना ही पड़ेगा। इसके ऑक्टेट में ये 2, 4, 6, 8 इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, और ऐसा कोई बॉन्ड तो बना नहीं सकता मैं, हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन मैं इसको मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो भी इस टाइप के स्ट्रक्चर, बट इट एग्जिस्ट एस, और वो एग्जिस्ट ऐसे करता है, ये बॉन्ड बनेगा, ओके ये है इसका स्ट्रक्चर, मतलब एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन बनाए अपन ने, जबकि बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसे क्यों हो गया? तो अपन ने कब कहा कि अपन बोल रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इसका ऑक्टेट रूल इसमें फॉलो नहीं हो सकता, तो लुईस स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ नहीं कर सकते, वही तो लिमिटेशन लिख रहे हैं। अब वो दूसरा कौन सा थ्योरी उसे एक्सप्लेन करता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये पता है कि भाई इसमें मैं ऑक्टेट इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल फिर कुछ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो अपन कहेंगे भाई अच्छा ठीक है वो वैसे एग्जिस्ट करता है हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मुझे पता था इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसके 6 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोनों के टोटल, तो अपन कहेंगे 11, अच्छा ऑड नंबर आ रहा है इसमें नहीं हो सकता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता लुईस स्ट्रक्चर जैसे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। फिर अपन कहेंगे अच्छा ऐसे बना लेता हूं, फिर मैं ClO2 अपन कहेंगे ये भी लुईस स्ट्रक्चर नहीं बन सकता इसका, तो इसका क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और इसके 2 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 16 हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे, अपन कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, उनको पता है कि वो ऑड नंबर बन रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन, इनमें से कम ऑड इलेक्ट्रॉन तो नहीं बन रहा था, इधर तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो इवन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा दोनों,
तो अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर आ रहा है तो उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए वो लुईस स्ट्रक्चर जैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका अपन लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, इनके लुईस स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल है, इनमें ऑक्टेट एक्सपैंड होते हैं और लुईस जब अपन नाम लेते हैं तो उसमें ऑक्टेट रूल बोलते हैं, तो आपको ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो अपन इसको लिमिटेशन बोल रहे हैं कि भाई लुईस के तो बहुत सारे लिमिटेशन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ने जैसे अपन ने ऐसे लिख लिया भाई, अब अपन चेक करते हैं नेक्स्ट, दैट इज दिस इज लुईस थ्योरी। अब अपन चेक करेंगे, थोड़ा सा एक पार्ट पढ़ेंगे अपन जिसको अपन कहते हैं फॉर्मल चार्जेस, ठीक है ना, फॉर्मल चार्जेस। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं कि किसी भी एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक, ये इसी का पार्ट होगा, किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज। तो अपन कहेंगे भाई फॉर्मल चार्ज जो होता है ना, वो होता है, इसको अपन पढ़े क्यों, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच हैज लोएस्ट फॉर्मल चार्जेस, फॉर्मल चार्जेस हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अपन एक्चुअली में कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अपन अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर लिखेंगे और जिस स्ट्रक्चर में उसमें मिनिमम फॉर्मल चार्जेस होंगे उसको अपन सबसे ज्यादा स्टेबल बताएंगे। तो फॉर्मल चार्जेस ठीक है भाई, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए अपन फॉर्मल चार्जेस पढ़ते हैं, बट फॉर्मल चार्जेस होता क्या है? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फॉर्मल चार्जेस में वी कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज इन अ मॉलिक्यूल इन अ बॉन्ड, और अपन लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो अपन क्या करेंगे ना, सभी एटम पे फॉर्मल चार्जेस लिखेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मेरे पास ऐसे के बने एच और सी एल, तो ऑब्वियसली बात है इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड होगा तो उसपे कुछ फॉर्मल चार्जेस आएंगे, इसपे कुछ चार्जेस आएंगे, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए अपन को एक फॉर्मूला भी देता है वो। फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, मैं इसको ना छोटा फॉर्मूला में लिख लेता हूं, वी, वी इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, माइनस 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं लिखूंगा बी इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम, तो मॉलिक्यूल में ही कैलकुलेट कर किए जाते हैं, इन अ मॉलिक्यूल वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। तभी तो अपन बताएंगे कि जिसमें सभी एटम को मिक्स करके जिसमें फॉर्मल चार्ज मिनिमम आएगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं एफ कर देता हूं इसको, तो F इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो भाई F इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, F इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन एटम, ये लो भाई हो गया। ऐसे अपन फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन किसी को कैलकुलेट करके देख लेते हैं, राइट, अपन फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्जेस अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अभी भी अपन को वेदांति बोल रही है कि बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस अभी भी ज्यादा है, अभी ब्राइटनेस आता है, अब जब आप स्लाइड में होते हो तो अभी नहीं आता, इधर नहीं आ रहा सर, जैसे आप बोर्ड के पास जाते हो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, मतलब ऐसे बोर्ड के पास जाता हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है। हाँ सर, आप जब सर अच्छा दूर रहता हूँ तो नहीं होता है, नहीं आता। अच्छा तो इसका मतलब है
ग्लास ज्यादा ब्राइटनेस है उसमें तो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। डिफ्रैक्शन हो रहा है तो फिर क्या करें, मतलब फिर क्लास कैंसिल कर लेते हैं मतलब अगर ब्राइटनेस ज्यादा है तो? नहीं सर, अब शंकर भाई बोल रहा है सर यू आर शाइनिंग, ठीक है सही बोल रहा है, नहीं क्लास कैंसिल नहीं हो सकती चाहे कुछ भी हो जाए, अपन चाहे बोर्ड छोटा वाला लगा के अपन वापस पढ़ेंगे लेकिन क्लास कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि मतलब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे लगता है कि इधर खड़े होने में नहीं आती इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन। हां सर धन्यवाद, मैं यहीं खड़े होकर पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर, मैं पूरा क्लास यहीं खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है ना, मैं यहीं खड़े होकर ही पढ़ाऊंगा मुझे लगता है, ठीक है कोई बात नहीं अपन देख लेंगे कोई बात नहीं। इधर ना नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अपन ने कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है। अच्छा फॉर्मल चार्जेस बताना बहुत ईजी है, अगर मुझे सिर्फ फॉर्मल चार्जेस बताना है ना एटम में मॉलिक्यूल में वो बड़ा ईजी है बताना, मैं तुरंत बता सकता हूँ किस पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। लेकिन ये सारा मेथड आपको इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि अपन को स्कूल में बताना है, बहुत सारा डिटेल में मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको स्कूल में पढ़ाना है, आपको स्कूल में बताना है, तो स्कूल में पक्का अपन से फॉर्मल चार्जेस पूछते हैं। तो मैं एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो अपन से स्कूल में पूछेंगे अपन बता देंगे उसमें फॉर्मल चार्जेस, और स्कूल का पेटेंट होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन इन ओजोन, तो अपन उसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, calculate the formula charge on each atom, calculate the formula charge on each oxygen atom in O3, ठीक है भाई। अब ओजोन में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई ठीक है आप क्या करो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में बताया। तो अपन क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम ले लो और इलेक्ट्रॉन को पेयर्स में लिखो, ठीक है ये तो अपन को पता है, बाकी दो ऑक्सीजन को आप क्या ले लो अदर एटम ले लो। तो ठीक है अपन इसको क्या करेंगे, अदर एटम लेंगे तो अपन एक दो तीन चार पांच छह इसका डबल बॉन्ड बना देगा, अभी दोनों ऑक्सीजन का क्या हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो अब अभी भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो फिर सेंट्रल एटम को क्या बनाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे ही तो सीखा था अपने कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, तो ठीक है ये लो बना दिया इसको अपन ने ये ऐसे बना दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखते हैं कि भाई देखो ये वन है ये टू है ये थ्री ऑक्सीजन एटम, तीन ऑक्सीजन एटम है अपने पास, सबका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता है, फॉर्मल चार्ज ऑन वन मतलब इस वाले पे वो फॉर्मूला यूज करता है, V इज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं सिक्स होते हैं ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 by 2 bonded electron, कितने bonded electron है इधर चार, आपने लिखा है सब सब अराउंड द एटम, एटम के अराउंड कितने bonded electron है, ठीक है 1 by 2 into 4, और फिर आपने क्या किया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी लिखने, कितने हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, लो भाई 4 लिखता हूं, कितना है अपने पास तो जीरो आया, अच्छा तो ऑक्सीजन वन पे जीरो है फॉर्मेट, ठीक है ऑक्सीजन टू पे बताओ फॉर्मल चार्ज ऑन टू कितने, ऑक्सीजन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स ही होते हैं, माइनस वन बाय टू कितना हो गया बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दो इस तरफ है और चार इस तरफ है छह हो गए, सो वन बाय टू इंटू सिक्स माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन टू है उसके पास, लो भाई आ गया हमारे पास कितना आया प्लस वन, ठीक है अब फॉर्मल चार्ज ऑन द थर्ड कार्बन ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करता है, थर्ड में अगर कैलकुलेट करूंगा तो सिक्स माइनस कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दो ही है इधर, तो 1 by 2 into 2 minus इधर कितने आ गए ये 6 is equal to minus, ये लो भाई आ गया अपने पास सभी ऑक्सीजन एटम पे मैंने फॉर्मल चार्जेस लिखे, सभी ऑक्सीजन एटम पे मैंने फॉर्मल चार्जेस लिखे, ठीक है भाई तो ये कैलकुलेशन आ गया अपन को, इसमें कैसे कैलकुलेट करने होते हैं फॉर्मल चार्जेस, चलो भाई हो अब पता मैं क्या करता, मैं कहता हूं मैं इतना सारा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत, मैं तो वैसे ही बता देता, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज
मान लो ओजोन की बात करते हैं, ये ओजोन पता क्या होता है, ये फॉर्मल चार्जेस अपन तब पढ़ते थे जब अपन को ये नहीं पता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का बॉन्ड भी कुछ बनता है, तब पढ़ते थे तब फॉर्मल चार्जेस। तो उसमें कैसे पढ़ते थे फिर जब अपन को नहीं पता था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो अपन क्या करते थे कि भाई जैसे आप यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो ना, तो उस टाइम आप क्या करते थे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देते थे। कैसे? तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे, ऑक्सीजन है, इसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं, ये बना दिया। अब डबल बॉन्ड बना लिया आपने, ये 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 और ये ऑक्सीजन आ गया, तो अपन क्या करेंगे ना, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे वाले, ये इलेक्ट्रॉन है इसके, तो अपन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लिया मतलब पॉजिटिव चार्ज, और उसको इलेक्ट्रॉन दिया मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन दिया मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर प्लस वन और इस पर माइनस वन आ गया। अच्छा, बड़ा इजी है। अब तुम एक बात देखो हमेशा कि फॉर्मल चार्ज वही बनेगा जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फॉर्मल चार्ज वही बनेगा जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अपन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके और उसको देना है। हाँ, तो जहां एरो का टेल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन ले लो, और जहां हेड है उसको दे दो। तो भाई जहां से इलेक्ट्रॉन लोगे वहां प्लस वन चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन दोगे वहां माइनस वन चार्ज। तो बड़ा इजी है हमारे लिए, भाई जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वहां फॉर्मल चार्ज होंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप क्या करेंगे, पहले बना लो ऑक्टेट रूल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, बाद में आप बता दो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओ और टेल से एक इलेक्ट्रॉन लेके हेड की तरफ दे दो, तो हेड की तरफ एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो वहां क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और टेल की जगह क्या आ जाएगा, प्लस वन चार्ज। वही किया और वही आ रहा है अपने पास, क्योंकि इस तरह बनाया था अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए यही आएंगे फॉर्मल चार्जेस, इधर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है इसलिए इस पर जीरो चार्ज आएगा, और वो आ रहा है इसलिए आ रहा है। तो मैंने स्कूल के लिए कैलकुलेशन बताया, और स्कूल में यही यही पूछेंगे एग्जाम्पल, और कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे। तो इसका मतलब है ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है और ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, जिसमें अपन ने मतलब इसकी जगह अपन ने क्या किया, इसके अपन ने वन लिखा था, इसको टू लिखा था, ये थ्री लिखा था, इसकी जगह अपन स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे और एरो कोई जगह अपन ऐसे बना देंगे, इस पर माइनस वन चार्ज, इस पर प्लस वन चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मल चार्जेस। अच्छा, तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल ले लो भाई, इधर ये मॉलिक्यूल था मेरे पास, दूसरा मॉलिक्यूल है, आप लिखते हो SO2 सल्फर, एक दो तीन चार पांच छ, इधर ऑप्शन डबल बॉन्ड, ऑक्टेट हो गया सल्फर का कंप्लीट, ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो लोन पेयर, अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही रखूंगा, ये डबल बॉन्ड बनाया मैंने इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, और इधर क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इधर अपन क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन, इधर क्या आएगा अपने पास, इससे इलेक्ट्रॉन के बाहर जा रहा है, तो रो क्यों रहा, अच्छे से बोल देता, ये लो, तो अपन कहेंगे भाई इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन है, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये अब अपने पास जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे ना इस वाले ऑक्सीजन के पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास ये तो छह इलेक्ट्रॉन थे इसके, इसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे लो भाई इसने ऐसे बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लो, तो प्लस वन चार्ज, इसको दे दिया तो माइनस वन चार्ज, तो अपन कहेंगे SO2 मॉलिक्यूल में सल्फर पे प्लस वन चार्ज, एक ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज, और दूसरे ऑक्सीजन पे जीरो चार्ज। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना तो अपन कहेंगे उसमें फॉर्मल चार्जेस होंगे ही नहीं, फॉर्मल चार्जेस सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होंगे जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और अपन को पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाता है वो अपन को पता है, ठीक है। कितने से कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप, कितने सारे मॉलिक्यूल्स अपन ने पढ़े हुए हैं, तो सभी मैं बता सकता हूं मैं तो फॉर्मल चार्जेस, ये लो भाई, अपन कहेंगे आपने तो ऑक्टेट रूल में मुझे ऐसे भी बताया,
इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए अपने, भाई आपने कार्बन मोनोक्साइड ऐसे लिखा, ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया, SO3 का स्ट्रक्चर मुझे ऐसे बताया। तो क्या आप अपना वीडियो स्पॉटलाइट पे कर सकते हैं, हर बार जा रहा है, हर बार 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 स्क्रीन चला जाता है आपका, क्यों? तो वीडियो स्पॉटलाइट पे नहीं है, रुक जा, ऐसे कैसे हो सकता है यार, स्पॉटलाइट में वीडियो व्हेन आई स्पीक पटाखे मैंने फिर से किया, तुम लोगों के साथ इतना सारा क्यों हो रहा है ऐसा, सुबह से क्लासेस ले रहा हूं मैं तो, हा? मैं तो सुबह से क्लासेस ले रहा हूं, तुम लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है, क्लासेस तो मैं सुबह से ले रहा हूं, this means that formal charges can be only plus minus 1 and plus 1, yes, but depending ki ek hi coordinate bond bana raha hai, to yahan do coordinate bond bana raha hu, ek coordinate bond ka ek plus 1 aur ek minus 1 hoga, wo fix hai, lekin yahan par sulfur mein do positive charge aane wale hain, ek iski wajah se aur ek iski wajah se, SO3 mein, to apan ye bol sakte hain ek coordinate bond se ek plus 1 banega, ek minus 1 banega, kitne coordinate bond ban rahe ye to dekho, तो अपन क्या करेंगे, इधर तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बताऊंगा मैं, ये लो ये माइनस वन, इधर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि जब मुझे ये नहीं पता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का कुछ एग्जिस्ट करता है, तब मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करता था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देगा जहां टेल है वहां पर अपन को प्लस लिखना है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो हेड है वहां पर इलेक्ट्रॉन देना है तो वहां पर प्लस वन लिखेंगे, ये फॉर्मल चार्जेस, ठीक है ना, तो अपन बता सकते हैं भाई फॉर्मल चार्जेस कैसे, तो कोई भी स्ट्रक्चर लिख दो तो सभी जगह बता देंगे फॉर्मल चार्जेस, बस मुझे यह पता होना चाहिए कि वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो अपन बता देंगे किसी भी एटम पे कितने, तो इस जैसे SO3 मॉलिक्यूल है, अपन से पूछेंगे बताओ SO3 मॉलिक्यूल में कितने फॉर्मल चार्जेस हैं सल्फर पे, अगर सिर्फ यही पूछा है ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसमें, बता देंगे सल्फर पे प्लस टू आ रहा है, अगर कैलकुलेशन के लिए बोला है तो फिर अपन ऐसे बता देंगे, लेकिन स्कूल में ऐसे गलती नहीं करना कि डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बता दें, आपको वो फॉर्मल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जैसे मैंने बताया था, क्योंकि स्कूल में वही मेथड चलेगा, इसमें तो जीरो मिलेगा आपको, स्कूल में पूरा लिखना पड़ेगा जो मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज था, अब अपन पढ़ते हैं, ये तो था आपका मतलब लुईस ऑक्टेट थ्योरी और उसके लिमिटेशंस देखे अपन ने, अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भाई, जैसे दैट इज अ रेजोनेंस फेनोमेना, जैसे अपन कुछ ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे फॉर्मल चार्जेस वगैरह थे, इसमें थोड़ा सा रेजोनेंस वाला पार्ट डिस्कस करना होता है, तो ये रेजोनेंस जो होता है एक फिनोमेना, मतलब इट इज मतलब ये इंस्टिट्यूट तो होता ही है और इसके अलावा एक फिनोमेना भी होता है, ठीक है ना, तो चलो अपन देखते हैं कि भाई रेजोनेंस फिनोमेना कैसे अपन को बताना होता है और क्यों बनाया था वो देखते हैं, तो रेजोनेंस फिनोमेना क्या होता है, तो अपन कहेंगे वैसे तो रेजोनेंस फिनोमेना हमें बाद में ही पढ़ना चाहिए, बट सिंस शीट में गिवन है पहले गिवन है तो मैं पहले बता देता हूं, और आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ये भी बाद में ही गिवन है, आयनिक नेचर कोवेलेंट नेचर भी बाद में ही गिवन है, पर थोड़ा अपन ने डिस्कस किया ताकि हमें आइडिया तो रहे। रेजोनेंस फिनोमेना में क्या होता है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी उसके एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, वो जो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर उसके बनाते हैं ना
उसी को अपन कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. एंड द फिनोमेना ऑफ राइटिंग, मतलब द वे ऑफ राइटिंग, द फिनोमेना ऑफ राइटिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस फिनोमेना. सो अगर हम उसको वर्ड्स में लिखें, देन वी कैन नॉट एक्सप्लेन all the properties of molecule, all the properties of molecule by a single structure, molecule by a single structure, then we write more than one structure for the molecule. Then we write more than one structure. One structure for a molecule. For a molecule. These structures are called resonating structures. These structures are called resonating structures. रेजोनेंस के बारे में उतना ही बताऊंगा जितना अपन को जरूरत है. अगर शीट में नहीं गिवन होता मैं नहीं बताता, क्योंकि वहां एक सेक्शन में अपन को सॉल्व करना है तो अपन उस सेक्शन के हिसाब से पढ़ लेते हैं और वो इजी है, अपन पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से ही बताऊंगा. क्योंकि रेजोनेंस पढ़ने का, रेजोनेंस फिनोमेना पढ़ने का मतलब है कि वी रिक्वायर एटलीस्ट फोर क्लासेस. एटलीस्ट कहा मैंने, उससे ज्यादा भी हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पढ़ना होता है. तो अपन अभी इतना ही पढ़ेंगे जिससे कि अपन को पता चल जाए. अब मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. तो अपन क्या करेंगे कि भाई देखो, अगर मेरे पास फोर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, सीओ मॉलिक्यूल, तो अपन कहेंगे भाई सीओ मॉलिक्यूल में तो क्या था कि अपन ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है और ये भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, हम इसको भी बोल सकते हैं स्ट्रक्चर इसका, ये भी इसका स्ट्रक्चर बोल सकता हूं, ये दोनों ही मैं स्ट्रक्चर बोल सकता हूं. तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो फिर कहेंगे डिफरेंस ये है कि जब आप यहां पर एक माइनस वन चार्ज लिखोगे और एक प्लस वन चार्ज लिखोगे बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो फॉर्मल चार्जेस लिखोगे आप, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना दो एटम के बीच में, उससे ये बॉन्ड बहुत डिफरेंट है. ऐसे अगर मैं नाइट्रोजन एटम लिखता हूं तो नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ना ऐसे होता है ट्रिपल बॉन्ड. फिर अपन से पूछेंगे बताओ दोनों में से ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, तो अपन कहेंगे इसमें तीन बॉन्ड ब्रेक करने हैं, इसमें भी तीन बॉन्ड ब्रेक करने हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा. इसलिए अपन क्या बोलते हैं ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी होता है, वो इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मल चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि अपन ने ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया शेयरिंग करके, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपन ने एटम को, लेकिन उस एक एक इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से जाने थे, वो अपन ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और वो शेयरिंग जैसे लग रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसकी वजह से जो चार्जेस अपियर हुए ना, उसमें चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी आ गया. इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि उसमें आयनिक कैरेक्टर भी है, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, इसलिए वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेगा, वो इसमें भी दिख रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव भी जनरेट होगा, इसलिए उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी जनरेट होगा, तो फिर वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इससे. इसलिए अपन बताएंगे कि भाई जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वहां फॉर्मल चार्जेस आएंगे, फॉर्मल चार्जेस आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ब्रेक करना है इस बॉन्ड के साथ साथ,
या तो सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करना है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ब्रेक नहीं करता। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। ये इसका ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, इसका ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। इसके इस स्ट्रक्चर में मुझे पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल दिख रहा है, इसमें मुझे पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है, और ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब जो प्योर ट्रिपल बॉन्ड होता है उससे ज्यादा एनर्जी लगेगा इसको ब्रेक करने के। तो मैं कार्बन मोनोक्साइड के लिए ये स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं, ये स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं, दोनों बना सकता हूं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि इतना समझाने के बाद कुछ तो आई होगा। सीओ के सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कहां है भाई 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 तो हो गया, ठीक है सर। दूसरा, एक बार फिर बॉन्ड के साथ स्ट्रेंथ का कंपैरिजन बताइए ना। बॉन्ड के साथ कंपैरिजन में क्या मतलब, अगर 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, मुझे 3 मार्कर ब्रेक करने हैं, तो बीच में 3 बॉन्ड है तो अपन 3 बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, अगर सिर्फ 3 बॉन्ड है। लेकिन 3 बॉन्ड के साथ साथ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी है, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन, वो अगर एक्स्ट्रा ब्रेक करना पड़ा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, इसमें तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा प्योर ट्रिपल बॉन्ड से। क्यों? उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो अपन को पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो अपन को ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा आयनिक करेक्टर भी होता है। तो अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है जैसे नाइट्रोजन में, तो अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 बॉन्ड ब्रेक, 3 मार्कर ब्रेक करना है, इधर भी 3 मार्कर ब्रेक करना है, लेकिन इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को भी ब्रेक करना है, तो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा बॉन्ड। So, ये जो थर्ड बॉन्ड आया ना अपने पास, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आया, जिसकी वजह से अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, तो अपन बॉन्ड में, तो इसका जो ऑक्टेट होगा वो ऐसे अपन ने कंप्लीट कर लिया, ये हो गया, और इसका जो अपन है वो ये कर, दो के ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो अपन लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये वाले में अपन ने चार्ज इसलिए, क्योंकि पहले फॉर्मल चार्जेस अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले अपन ऐसे ही ड्रॉ करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे इलेक्ट्रॉन्स को ताकि ऑक्टेट कंप्लीट दिखाए अपन को। जब अपन को पता चला कि अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, जब अपन को बताया गया, वो डिस्कवर हुआ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, तो अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। तभी तो बताया था मैंने कि फॉर्मल चार्जेस अपन क्यों पढ़ते हैं, भाई जब अपन को ये नहीं पता था ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, तो अपन ऐसे बनाते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे पॉजिटिव नेगेटिव लिख के, कि चलो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 8-8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में। अब अपन को पता है कि भाई न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, चार्ज मत दिखाओ न्यूट्रल लिखो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। यस, मतलब वहां पर चार्जेस है अपन दिखाते नहीं, ताकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखे। दूसरा अपन लिखेंगे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, अपन देख ले अब थोड़ा सा, अपन ने ये जैसे किया अपन ने, तो दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे अपन लिखेंगे भाई, अब मेरे पास SO2 मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई, अब SO2 मॉलिक्यूल है तो अभी देख लेते हैं। SO2 मॉलिक्यूल में, SO2 मॉलिक्यूल में अपन स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, एक तो अपन ये लिख लेते हैं, और एक कैसे ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। अपन कहेंगे ये भी इसका स्ट्रक्चर है, ये भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिख सकता हूं, वहां -1 लिखा मैंने, और यहाँ +1 होगा, तो इस पे अपन इसी पे शो कर देते हैं बस, कि भाई यहाँ पर -1 चार्ज है, इस पे +1 दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है सेंट्रल अटैक पे, वहां -1 दिखाने का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन दिया यहां से वहां, ये अंडरस्टूड होता है कि वहां प्लस होगा। तो अपन इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं अपन,
ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं, दोनों करेक्ट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, ऐसे भी कर सकता हूं, दोनों ही हो सकते हैं, वो भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। तो दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर लिखो, अपन कहेंगे दोनों ही लिखो, तो दोनों एक जैसे तो है, उसको घुमा दो ये बन जाएगा, फिर ऐसे रोटेट कर दो थोड़ा सा ये बन गया, तो इसमें डिफरेंस कहां है? तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको डिफरेंस अज्यूम करते हैं, यही तो रेजोनेंस फिनोमेना है। तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसे होता है, तो फिर अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है तो कार्बनेट है, तो कार्बनेट में तो अपन ऐसे लिख देंगे भाई, कार्बनेट के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज इधर एक नेगेटिव चार्ज इधर, ऐसे भी लिख सकता हूं फिर तो। इनको क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं, फिर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कार्बनेट में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला तो माइनस वन चार्ज होगा, जैसे ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं जितने नेगेटिव चार्ज उतने सिंगल बॉन्ड, तो इसमें भी अपन ऐसे बनाए। तो अपन कहेंगे फिर इसमें भी तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ जैसे इसमें बता रहे हो आप, कि भाई इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर दूसरा, एक बार ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इधर, एक बार नेगेटिव चार्ज इधर, अब एक बार नेगेटिव चार्ज इधर और एक बार नेगेटिव चार्ज इधर, ऐसे भी बता सकता हूँ। आप बताओ, वो अलग स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं, भाई मेरे पास तीन ऑप्शन है, जैसे आप ओजोन में लिखते हो कि भाई आपने ओजोन में बताया, भाई तीनों ऑक्सीजन ही तो थे, तीनों ऑप्शन तो थे, लेकिन आपने सबको नंबर किया था ना 1 2 3 ऐसे 1 2 3 और सब पे अलग अलग फॉर्मल चार्ज लिखा था ना, हाँ लिखा था, तो फिर इनको अलग अलग स्ट्रक्चर बताओगे ना, भाई इस पे फॉर्मल चार्ज आपने अलग लिखा, इस पे अलग लिखा, इस पे अलग लिखा, तो आपने अलग अलग स्ट्रक्चर बताया ना, तो इसका मतलब है मैं इसको स्ट्रक्चर ऐसे बताऊंगा और जब मैं ऐसे लिखूंगा ये माइनस वन, तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अपन कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है, आप लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर, ये सभी स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो अपन वो भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो ये सारे स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये इधर नेगेटिव चार्ज माइनस वन, इधर डबल बॉन्ड लिख लेते हैं, एक बार इधर लिख लेता हूं माइनस वन, ऐसे भी बना सकते हैं, तो यहां डबल बॉन्ड, तो यहां भी डबल बॉन्ड बन सकता है, हाँ वहां भी डबल बॉन्ड बन सकता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर अज्यूम कर लो, तो ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर, अब यहां तो नहीं दिखेगा अपन को, मैं ऊपर लिख लेता हूं, ऊपर थोड़ा दिख जाएगा, मतलब इनका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, अब यहां डबल बॉन्ड बना देता हूँ, हाँ बिल्कुल बना हुआ, तो जब भी ऐसे सिंगल बॉन्ड और ऐसे अपन बॉन्ड बना सकते हैं, तो अपन उनको बना के दिखाएंगे कि भाई ये बॉन्ड्स बनेंगे, ये रेजोनेंस बना बना, ये तो ऑक्साइड के स्ट्रक्चर। तो अपन कहेंगे ये सारा पार्ट पढ़ने का फायदा क्या, तो अपन कहेंगे फायदा ये है कि जब भी ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे ना, तो इसमें ना तो कभी ऐसे जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो ना तो कभी इसमें कभी प्योर डबल बॉन्ड होगा और ना ही कभी इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ भी चेंज होंगे, बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होंगे और बॉन्ड लेंथ भी चेंज होंगे। तो ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और भी चेंज होंगे और बॉन्ड लेंथ भी चेंज होंगे, तो उससे मतलब क्या कैलकुलेट करना है मुझे, उससे करना क्या है मुझे, तो इसमें ना अपन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताने होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, तो अपन कहेंगे भाई जहां भी जो डीलोकलाइजेशन होता है ना, जैसे यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है और उससे अटैच्ड है एक ऐसा एटम जिसके पास चार्ज है, तो उस चार्ज को अपन यहां भी लिख सकते हो, आप यहां भी लिख सकते हो, मतलब दोनों में से कहीं भी लिख सकते हो, जैसे ये लिखा
जैसे यहाँ पर लिखा आपने, ये डबल बॉन्ड था और ये चार्ज था, तो अपन उस चार्ज को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा यहाँ चार्ज होगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ चार्ज होगा, मतलब जैसे अपने लिखा कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड लिखा तो इन दोनों पे चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड लिखो तो इन दोनों पे चार्ज होगा, और अगर यहाँ डबल बॉन्ड लिखोगे तो इन दोनों पे चार्ज होगा, बनाया अपन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सर आपने वो डी पॉइंट में कौन से कंपाउंड डी पॉइंट में जो बनाया ना अपन ने, ये ओजोन है, तो ओजोन के लिए भी तो अपन ऐसे बनाए कि भाई देखो इधर आप प्लस वन लिखा इधर माइनस वन लिखा, तो जैसे इधर लिखा आपने, जैसे अभी अपने कहा कि भाई डबल बॉन्ड है और इधर इस वाले एटम पे दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे जो एटम हटाते हैं उस पर माइनस वन चार्ज है, तो फिर मैं माइनस वन चार्ज को यहाँ भी लिख सकता हूँ और उधर डबल बॉन्ड लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा। सेंट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा? नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है, कार्बोनेट में कहाँ है सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें तो पहले से नेगेटिव चार्ज था। सेंट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट विदाउट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए अपन को। अब मैं एक समराइज करता हूं इसका, है थोड़ा सा, कि जिससे अपन को पता चलता है। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मतलब एक एटम गिवन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है और उनसे जो एटम अटैच है ना उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकता हूं, वो कोई भी एटम हो सकता है, वो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कौन से एटम से, या फिर अपन कहेंगे मेरे पास मतलब, या फिर क्या मतलब, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि भाई ऐसे अगर मुझे ऐसे गिवन है, अगर अपन को ऐसे भी गिवन है, मान लो मेरे पास ऐसे एग्जांपल वन हो गया, एक एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं, मेरे पास एक एटम है ए, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है कोई बी एटम पे, इधर डबल बॉन्ड से ओ अटैच्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड से सी अटैच्ड है, और इधर डी ले लेता हूं, तो फिर मैं इसमें इसका स्ट्रक्चर तीन लिख सकता हूं, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और इधर ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सी पे नेगेटिव चार्ज तो सिंगल, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वहां सिंगल बॉन्ड होगा, और इधर डबल बॉन्ड बी, इधर डबल बॉन्ड डी। अब अगर मैं बी पे भी लिख सकता हूं, सी पे भी लिख सकता हूं नेगेटिव चार्ज, और डी पे भी लिख सकता हूं नेगेटिव चार्ज, डी पे लिखोगे तो वो थर्ड स्ट्रक्चर होगा, मतलब मुझे सभी एटम के बीच में जहां डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट बने होंगे वहां सभी जगह नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करना, मैंने यही किया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सभी जगह डिलोकलाइज करना है। वो दो डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, भाई यहां तो सारे सेम एटम थे, मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन से एटम होंगे, मैंने तो एबीसी ले लिया, मैंने तो आपसे ये बताया कि दो एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे अगर उनसे जो एटम अटैच है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वो नेगेटिव चार्ज इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड में दोनों तरफ बना सकता है, ये कहा बनाया। तो इसके लिए तीन स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, अपन क्या करेंगे, सी हो गया इधर, इस पे नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, तो सी डबल बॉन्ड ए, डबल बॉन्ड बी और सिंगल बॉन्ड डी, डी पे नेगेटिव चार्ज, इस बार मैंने डी पे माइनस चार्ज, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे लिख सकते। तो अपन कहेंगे इसको लिखने का फायदा क्या, देखो मैं रेजोनेंस नहीं पढ़ा रहा आपको, रेजोनेंस फेनोमेना नहीं पढ़ा रहा आपको, और रेजोनेंस फेनोमेना बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा ना मेरे दो क्लास जाएंगे, पूरा पढ़ाऊंगा मतलब सारे कंसेप्ट जितने मतलब मुझे चाहिए कि वो आपको रेजोनेंस अच्छे से आए, मैं तो उतना ही बता रहा हूं आपको जितना अपन को इस चैप्टर में जरूरी है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं बताया, इसलिए आप बिल्कुल नहीं सोचना कि अच्छा रेजोनेंस में सर मतलब बहुत सारी चीजें मतलब मुझे लग रही है कैसे वो उधर डिलोकलाइज होगा, बिल्कुल मत सोचो, आपने बताया ना मुझे क्या सोचना है, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड, उनसे जो एटम अटैच है अगर वहां नेगेटिव चार्ज है तो वो इधर भी हो सकता है या ऑल्टरनेट एटम इधर भी हो सकता है, इतना ध्यान रखो बस,
इससे ज्यादा अपन को ध्यान नहीं रखना थोड़ा सा, मतलब रटने में। और अच्छा, इसका कोई यूज भी नहीं। अगर केमिकल बॉन्डिंग में इसका यूज होता ना, मैं आपको जरूर बताता कि मुझे यार आगे मतलब आपको पढ़ाने में मुझे डिफिकल्टी जाएगी। कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अलग से उन्होंने क्यों डाल दिया मुझे भी नहीं पता। लास्ट में भी डालते तो अच्छा रहता, क्योंकि तब तक आपको सारे स्ट्रक्चर बनाने आते। मैं पढ़ाता भी लास्ट में, लेकिन फिर मुझे एक सेक्शन छोड़ना पड़ता, आपको बोलना पड़ता कि वो सेक्शन छोड़ दो, इसलिए मैंने आपको ऐसे। ठीक है ना? अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ऐसे कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात फिर ऐसे भी होगा कि अगर डिफरेंट एटम है तो ऐसे भी होगा। मतलब अब मैं ना थोड़ा सा इनमें वो पार्ट बता देता हूं जिसके लिए मैं इतना सारा आपको बता रहा हूं, इसमें वो पार्ट नहीं आए। यहां पर मुझे कैलकुलेट करना होता है बॉन्ड ऑर्डर। मतलब ये अगर ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे ना, तो अलग अलग स्ट्रक्चर में ना तो ये प्योर डबल बॉन्ड होगा और ना ही ये प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि कभी यहां पर डबल बॉन्ड है और कभी यहां पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ना तो ये प्योर डबल बॉन्ड होगा और ना ही इसे हम सिंगल बॉन्ड बोल सकते। अगर कभी दो एटम के बीच में ना सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अपन बोलते हैं 1। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नीचे दिख रहा है, मैं लिख सकता हूं वहां पर, फिर मैं थोड़ा एग्जांपल भी लिख सकता। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स, प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। इसको मैं तुम लोग मतलब ज्यादा वो नहीं देना इंपॉर्टेंस, बस मैं ये चाहता हूं कि आप इसको एक सेक्शन के लिए सीख लो और एक एग्जांपल में आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से वो कार्बेट वाला, ठीक है ना? वो मैं पूरा बताऊंगा आपको, उसमें टेंशन नहीं लेना। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम इज कॉल्ड बॉन्ड। इवन बॉन्ड ऑर्डर भी अपन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। तो जैसे अपन को गिवन है ना, देख, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। क्यों? सिंगल बॉन्ड है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, क्योंकि डबल बॉन्ड। अगर मेरे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर ये ना तो प्योर डबल बॉन्ड होता और ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड, तो ठीक है, दोनों के बीच में होता फिर बॉन्ड ऑर्डर कोई, या तो 1 से अपन कहते हैं ज्यादा, क्योंकि ना तो ये सिंगल बॉन्ड होता और ना ही डबल बॉन्ड। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है ना, तो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा, SO2। अब भाई ऐसे बना लेते हैं, और यहां पर लिख दूंगा कि कभी यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो कभी नेगेटिव चार्ज यहां पर है। मतलब एक नेगेटिव चार्ज है जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये भी 1 से कम होगा स्ट्रेंथ, ये भी 1 से कम होगा स्ट्रेंथ। और यहां पर कभी यहां डबल बॉन्ड होता है, कभी सिंगल बॉन्ड होता है, तो प्योर डबल बॉन्ड है नहीं, ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड भी बन सकता है। तो जो इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर होगा ना, वो ना तो सिंगल बॉन्ड है मतलब 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो फिर उनके बीच में होगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अपन बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू, अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये रेशियो कैलकुलेट करता हूं, ठीक है? तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें अपन लिख लेंगे बॉन्ड ऑर्डर जैसे इसमें लिखना है, तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंटर लाइन, अराउंड सेंटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन। ऑफ डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है जो चार्ज को आप इधर उधर लिख रहे हो, डीलोकलाइज कर रहे हो, कभी इधर था कभी इधर था, वो डीलोकलाइजेशन। ये आप इसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख सकते, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे इसमें दो ही जगह था ना, तो दो ही बने,
आपने थोड़ी देर पहले तो लिख रहे थे नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन, अब लिख रहे हो नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड रेट कैलकुलेट करके बता दो। तो भाई SO2 का बॉन्ड रेट जो आएगा ना मेरे पास, कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, एक दो तीन, और कितने स्ट्रक्चर बने, दो ही बने, क्योंकि ये उसमें काउंट नहीं होगा लोहित सेसर का, पर तो ऐसे काउंट, कितने बने, दो बने। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स थ्री हो गए और डिवाइड बाय टू 1.5, ये लगो। तो ये SO2 के लिए है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ था ही नहीं डीलोकलाइजेशन, दो ही एटम के बीच में था। अब डीलोकलाइजेशन के लिए कम से कम तीन एटम तो होने चाहिए ना। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या लिखे, कितने बॉन्ड थे, एक दो तीन चार बॉन्ड थे, तो इसका बॉन्ड रेट कितना हो जाएगा, चार बॉन्ड है और नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज कितनी जगह है, तीन जगह, डिवाइड बाय थ्री, लो भाई ये आ गया 1.3। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करो, अच्छा ठीक है इसमें कैलकुलेट कर देता हूं। इसका बॉन्ड रेट जो होगा ओजोन के लिए, कितने बॉन्ड है, एक दो तीन, मतलब तो यहां से भी कर सकता हूं, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन टू, लो भाई आ गया 1.2, ये बॉन्ड रेट हो गया। तो मॉलिक्यूल में क्यों बता रहे हैं आप, ऐसे ही बता दो सीधा, ये लिखा तो है तो ऐसे देख लो, मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे ये है ए के लिए, इधर ए पे कितना, कितने बॉन्ड है इसके अराउंड, फाइव, तो फाइव, और कितने प्लेसेस है डीलोकलाइजेशन के, 1, 2, 3, क्योंकि सभी जगह डबल बॉन्ड है, 3, लो भाई इसका बॉन्ड रेट आ गया। इसके लिए पेपर कहेंगे इसमें ना 1, 2, 3 डिवाइड बाय 2, यहां रहेगा या फिर यहां रहेगा नेगेटिव चार्ज, 2 हो गया, ये बॉन्ड रेट, तो बड़ा इजी है फिर तो कैलकुलेट करना, सिर्फ बॉन्ड रेट कैलकुलेशन है अपने, सिर्फ बॉन्ड रेट कैलकुलेशन है अपने अभी जो इनको, और बॉन्ड रेट कैलकुलेशन अब आप किसी के लिए भी पूछ लो मुझसे, मैं इसको हटाऊं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल में अपन बॉन्ड रेट कैलकुलेट कर, मैं इसको हटा दूं, ये वाला पार्ट हटाऊंगा, ये नहीं हटाऊंगा SO2। अब देखो अगर मान लो आपने मुझे ऐसे एग्जांपल टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑफ बॉन्ड रेट, तो मैं ऐसे कहता हूं मान लो मेरे पास सल्फेट है, तो अपन कहेंगे हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, लो भाई बना दिया, एक दो तीन चार पांच छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो नेगेटिव चार्ज है मतलब दो ऑप्शन सिंगल बॉन्ड सेट, बाकी दोनों डबल बॉन्ड के, तो फिर एक डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो अपन सीधा सीधा लिख देंगे ना, इसमें क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन चार जगह हो सकता है, मतलब रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर में इसके ये बना सकता हूं और चार रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं इसके, एक बार इन दोनों पे, एक बार इन दोनों पे, एक बार इन दोनों पे और एक बार इन दोनों पे, चार बन गए। तो क्या लिखूंगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, क्योंकि चार जगह है ना, चार जितने अदर एटम होते हैं ना ये वाले एटम, उतने जगह डीलोकलाइजेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि सभी जगह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सभी जगह है, तो मैं चारों जगह बना सकता हूँ, तो एक बार इन दोनों में डीलोकलाइजेशन, एक बार इन दोनों में शो करता हूँ, मतलब तो आप प्रोबेबिलिटी चेक कर लो ना कितनी जगह आप दो डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, तो मैं लिखूंगा दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 4, 3/2, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे कि मैंने फिर क्या करोगे, अगर मान लो अपन से कहा गया कि मेरे पास ऐसे कि मैंने, अब बताओ आप कैसे कैलकुलेट करोगे बॉन्ड ऑर्डर, CLO4 नेगेटिव, आप बताओ, तो अपन कहेंगे स्ट्रक्चर बनाए
सीएल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच। लेकिन इसका ऑक्टेट तो एक्सपेंड हो गया, हाँ तो ये मैंने कब कहा कि इसमें ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, ये कब बताया मैंने कि ये लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा था। लुईस ऑक्टेट तो खत्म, क्लासिकल थ्योरी, बाकी कोई मॉलिक्यूल उसको फॉलो नहीं करता। जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको लुईस ऑक्टेट फॉलो करना है तब तक आप फॉलो करोगे, जब मेंशन हो, और नहीं है तो आप सीधा जिसमें अदर एटम को जितने इलेक्ट्रॉन देने दे दो, तो इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन बन गए, हाँ तो बन जाए ना, क्या प्रॉब्लम। लुईस ऑक्टेट रूल खत्म, जब तक लुईस ऑक्टेट, अगर लुईस ऑक्टेट बोलता तो मुझे ऐसे बोलना पड़ता, इसका लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाओ, मुझे ऐसे करना पड़ता, ये ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब ऐसे बनाओ, नहीं तो स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये रेजोनेंस फेनोमेना तो मोस्ट एडवांस्ड फेनोमेना है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था नहीं यार ये बहुत जल्दी पढ़वा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपन को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, कर देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करेंगे, ये बना दिया अपन ने, और लुईस के अलावा बाकी सभी जगह मैं यही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कैसे, जैसे सीएलओ फोर है, सीएल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक ऑप्शन सिंगल बॉन्ड चार्ज, बाकी जितने जिसको दे रहे हैं दे दो, ऑक्सीजन को दो चाहिए दे दो, दो चाहिए दे दो, दो चाहिए दे दो, बाकी मैं कभी ये चेक नहीं करूंगा कि किसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है किसका नहीं हो रहा, क्यों, ऑक्टेट रूल थोड़ा क्लासिकल थ्योरी है, वो थ्योरी बस वहीं तक पढ़ना होता है, बाकी कोई थ्योरी उस थ्योरी को नहीं मानता, ठीक है। तो क्या करें, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड 7 हो गए तो, और कितनी जगह डीन्यूक्लियराइज होगा, ये 1, 2, 3, 4 लो भाई आ गया, हो गया, तो बड़ा इजी है फिर, तो भाई सीधा लिखो और बता दो, तो इसमें कोई कहीं कुछ गड़बड़ करने के चांसेस हैं क्या, तो अपन कहेंगे पहले एक दो और देख लेते हैं, अगर तुम गड़बड़ कर सकते हो तो मैं बताऊंगा कहां कर सकते हो। मान लो मेरे पास CLO3 नेगेटिव है तो देखिए कोई बात नहीं, आप CLO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक नेगेटिव चार्ज और इधर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो बस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखो, तो अपन कहेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड है, 5 डिवाइड बाय places of delocalization 3, ये लो भाई, कहां कहां नेगेटिव चार्ज, मैं इसमें भी लिख सकता हूँ, इसमें भी लिख सकता हूँ, इसमें भी लिख सकता हूँ, अच्छा तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा कोई और भी कैलकुलेट करके दिखाऊं, ठीक है और कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, पर उसमें क्या है, जैसे अपन ने सल्फेट लिखा वैसे और भी लिख देते हैं, अपन मान लो मेरे पास ऐसे इधर PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, तो फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन कहेंगे फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ, 5 होते हैं, लिख दिया 5, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 3, ठीक है, 1, 2, 3 माइनस वन एक डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है, तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ठीक है भाई बॉन्ड ऑर्डर बताता हूं, कितने बॉन्ड है, 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिलो, कितनी जगह लिख सकता हूं नेगेटिव चार्ज, चारों जगह लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो आप, तो ये लो हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, मतलब ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लो अब अपन ऐसे कहेंगे भाई मेरे पास ऐसे है, अपन कहेंगे कि भाई मुझे गिवन है कि बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास एक ऐसे मेरे पास गिवन है N2O, अब इसके स्ट्रक्चर में ऐसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखूंगा, लो भाई ये स्ट्रक्चर, ठीक है अपन ने स्ट्रक्चर बनाया, अब अपन ने कहा कि इसको हटाओ और ऐसे लिखो, इस पे मैं अब क्या आएगा, अब अपन कहेंगे कि भाई देखो इधर ये पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा लेकिन ये पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब ये पहले 3 था और ये 1 था बॉन्ड, जैसे यहां पर क्या ये 1 था ये 2 था, तो दोनों क्या बन गए 5/4 1.25,
लेकिन यहाँ पर क्या, एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल, एक सिंगल बॉन्ड है, तो भाई ट्रिपल बॉन्ड में एक पार्शियल बनेगा ना, मतलब इधर 2.5 के आसपास होने वाला है, लेकिन इधर क्या होगा 1.5 के आसपास, मतलब इधर 1 से बढ़ेगा और इधर 2 से लेस देन 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड डिलोकलाइज होगा ना, तो वो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि सर अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर हमेशा मतलब 1 और 2 के बीच में ही रहेगा, हाँ रहेगा ना, अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो, लेकिन अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया और वहां भी बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ मिक्सअप हो सकता है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर देखो भाई ऐसे भी बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन कोई चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि जितने जगह अपन लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, जितने जगह आप नेगेटिव चार्ज लिख सकते हो वो सभी जगह आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो। फिर से बोलो कुछ बोल रहे थे, बारिश बहुत तेज हो रही थी तो बारिश की आवाज आ रही थी, अब आप बताओ क्या बोल रही थी? सर मैं आपको थोड़ा सा साइड होने के लिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए अपन क्या करेंगे ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है जो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड जहां जहां है ना वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज था और वहां ट्रिपल बॉन्ड है तब भी वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसके इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, तो 2 हो गए, इधर 4 हो गए क्योंकि चारों में से मैं कहीं भी लिख सकता तो 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, इधर 3 हो गए, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग। इसलिए मैं लिख रहा था नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन, मैं इधर भी लिख सकता हूँ, इसको इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी, दैट इज डीलोकलाइजेशन, आप नेगेटिव चार्ज को कहां कहां लिख सकते हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर में ऐसे लिखता हूं, मेरे पास ऐसे किताब है, पता अब ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड के साथ है लेकिन उधर डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर जो डिलोकलाइजेशन हो सकता है ना वो सिर्फ इस जगह हो सकता है, बस इधर कभी नहीं हो सकता क्योंकि वहां डबल बॉन्ड है नहीं, जहां आपने हर बार बताया कि भाई आपने जनरल स्टेटमेंट भी ऐसे ही लिखा था, ऐसे होना कंपलसरी है, लेकिन अगर ऐसे होगा तो डी बाई डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता, सिर्फ इन दोनों में होगा, इधर नहीं हो सकता, इधर और इधर होगा, तो फिर मुझे जहां पर मैं नेगेटिव चार्ज लिख सकता हूं वहीं के बॉन्ड काउंट कर सकता हूं, मतलब इसके बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 3/2 होगा, इधर भी लिख सकता हूं उधर भी लिख सकता हूं, वो 2 है और नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम है 3 है। N2O का बॉन्ड ऑर्डर अपन लिखेंगे तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर अपन कहेंगे भाई जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ना दैट विल बी इधर लेस देन 2, मतलब इट विल नॉट, वी कैन नॉट से दैट, क्योंकि डिफरेंट एटम आएंगे तो फिर बॉन्ड ऑर्डर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, फिर अपन को बताना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड ऑर्डर वो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट आता है, जैसे मैं एक डिफरेंट कंसेप्ट में ले लूंगा उसको भी मैं ले लेता हूं, अपने पास एक और मैं ऐसे लिख लेता हूं, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मैं ये तो अपने पास ऐसे थे, मैं एक बाइसल्फाइड भी ले लेता हूं, तो बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो अपन कहेंगे इसमें क्या लिखे फिर, तो अपन कहेंगे भाई देखो इसमें ना यही डिलोकलाइजेशन हो सकता है, इधर डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर 3/2, जहां पर डिलोकलाइजेशन होगा वहीं बना सकता हूं मैं, इधर 2 बॉन्ड और इधर 1 बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम, फिर आप कहते हो यहां तो 4 है लेकिन आप कह रहे थे यहां तो
आपने 5 काउंट किए थे भाई, सारे काउंट किए थे, हाँ तो वहां डिलोकलाइजेशन हो सकता है ना डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का। मैंने आपको बताया था कि जहां डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा वहीं कर सकता है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हो गए जिनमें अगर मान लो इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर उधर डिलोकलाइजेशन हो सकता है, लेकिन अगर इधर डी है तो इधर डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। इधर इस बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, फिर तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो 3/2 लिखने वाला हूं मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में सीयू क्या है वो? सिक्स्थ क्वेश्चन में सीयू है क्या वो? अरे ये एसिडिक एसिड है, CH3 सीयू है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना बॉन्ड ऑर्डर 3 से तो कम होगा और इसमें 1 से ज्यादा होगा, बस अपन इतना ही बता सकते। इस टाइप से अपन मॉनिटर बताएंगे। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन, हमसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल दी एक्सप्लेन व्हाई ऑल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन कार्बोनेट आयन, that is a carbonate ion, ion are equal, ये अपन को एक्सप्लेन करके बता। अपन आंसर मिलेगा, ऑल दी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ कार्बोनेट आयन आर इक्वल, आयन आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस फिनोमेना। सो रेजोनेंस फिनोमेना में कैसे, तो अपन कहेंगे देखो कार्बोनेट आयन अपन ऐसे लिखेंगे, दैट इज अ कार्बोनेट आयन, अपने ऐसे लिखा दैट इज अ कार्बोनेट आयन लाइक दिस। तो इसमें कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 और ऑक्सीजन का होता है 6। अपन को एक बात पता है कि भाई अगर ऑक्सीजन का 6 होता है तो जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही बॉन्ड ऑक्सीजन के सिंगल, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे, पहले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं फिर डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये अपन ने बना दिया। तो अपन क्या करेंगे कि देखो भाई इसमें ना सेम टाइप के एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो अपन क्या कहेंगे, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, इधर भी माइनस वन चार्ज है, ये भी माइनस वन चार्ज, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, ऑल आर करेक्ट, मतलब सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो एक जैसे, ये इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर लिख सकता हूं, और सारे में कभी क्या है नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जितने स्टेबिलिटी है नेगेटिव चार्ज का उतना इसमें स्टेबिलिटी होगा, उतना इन दोनों में भी स्टेबिलिटी होगा, और अपन बता देंगे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 4/3 है, सो सारे के सारे बॉन्ड जो है वो एक जैसे और स्टेबिलिटी भी एक जैसा है नेगेटिव चार्ज का। अगर मान लो मेरे, अब ये अपन ने बता दिया कि भाई नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम इन ऑल दी स्ट्रक्चर्स, सो द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज सेम, सिंस द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, द नेगेटिव चार्ज is present on same atom in all these structures. So their stability will be same. Their stability will be same. Will be same. ये लिखेंगे। अब एक बात को ध्यान रखो कि अपन को अगर स्कूल में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो यही आ सकता है, मैंने आपको बना के दिखा दिया, मैंने आपको लिख के बताया कि आप स्कूल में इसको लिखना, स्कूल में अगर आएगा तो यही आएगा,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो पहले आप एक स्ट्रक्चर बना लो और देख लो कि नेगेटिव चार्ज वाला एटम जो है ना, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो जिस एटम से अटैच्ड है उससे कितने एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड है या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, वो सब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जैसे ये नेगेटिव चार्ज था, इधर डबल बॉन्ड से अटैच्ड, ठीक है, तो फिर यहां डबल बॉन्ड लिख के वहां माइनस वन लिखो। तो अगर इसको करोगे तो उसको भी करके दिखाओ फिर, तो फिर यहां भी डबल बॉन्ड लिखा और इसको माइनस वन लिख दिया, स्ट्रक्चर मिल गया, सारे स्ट्रक्चर बन गए, सबका स्टेबिलिटी सेम। इसमें सबका स्टेबिलिटी सेम। इसमें कॉमन स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन, कैसे, तो अपन कहेंगे भाई कॉमन स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट कॉमन स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। तो ये जो है ना 1, 2, 3, इसको अपन कहते हैं 3, ये 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के एक कॉमन स्ट्रक्चर भी बन सकता है, उसको अपन कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो इन सबके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। तो अपन कहेंगे वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, तो अपन ऐसे बता देंगे भाई रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेटाइन विल बी लाइक दिस। सभी में आप सिंगल बॉन्ड लिख सकते हो ना, और ना तो ये प्योर डबल बॉन्ड है और ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो अपन ऐसे लिख लें। अपन को पता है हर एक बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है, 4/3। दिस स्ट्रक्चर इस पे क्या दो नेगेटिव चार्ज है, और सिंस द एटम्स आर सेम, अपन ऐसे लिख सकते हैं इस पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एटम सेम है ना, दो नेगेटिव चार्ज थे, 3 एटम को डिवाइड करना है, तभी तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो डिवाइड, इसमें सिंस सभी एटम में, सभी स्ट्रक्चर्स में, इसमें सभी स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्जेस ऑन द सेम एटम, सो देयर प्रॉपर्टीज विल बी सेम। तभी तो आपने कहा ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि सभी के स्ट्रक्चर एक जैसे है, सभी में कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड डबल बॉन्ड है और दो ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज, दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर इज सेम, सो दे ऑल विल हैव सेम प्रॉपर्टी। This will be called as resonance hybrid. इसको अपन कहेंगे resonance hybrid. Actually resonance hybrid structure जो होता है उसे अपन isolate कर सकते हैं, इनमें से किसी को आप isolate नहीं कर सकते, resonating structures कभी isolate नहीं हो सकते, हम सिर्फ resonance hybrid को isolate कर सकते हैं। तो जब हमने carbonate ion को isolate किया और उसका bond length check किया, तो हमें ना तो carbon oxygen का double bond मिला और ना ही कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड मिला उसमें। तो हमने कहा भाई बॉन्ड लेंथ जो है, ना तो कार्बोनेट में डबल बॉन्ड आ रहा है और ना ही कार्बोनेट में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो व्हाट वाज द रीजन। तो हमने पता चला यार कि अच्छा, डबल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ा आ रहा है और सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ छोटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसमें 1 है और इसमें बॉन्ड लेंथ अपने लिए 2 है, क्योंकि 2 बॉन्ड थे, 1 बॉन्ड थे और आ कितना हो रहा था अपने पास 1.3। तो अपन को पता चला अच्छा, इसमें ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल बॉन्ड है और सारे के सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे मिल रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब वहां पर रेजोनेंस फेनोमेना है। रेजोनेंस फेनोमेना होता है तो बॉन्ड लेंथ चेंज होते हैं। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल आप अगर चाहें तो -2/3 की जगह आप डेल्टा नेगेटिव चार्ज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो मैं खुद भी नेगेटिव चार्ज लिखता। ये आपके स्कूल में पूछेंगे, मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया और जो लिखा वो आपको स्कूल में लिखना होगा। अपन को या तो हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, अभी के लिए मैंने आपको बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस वाला पार्ट अपन को कम से कम 4 से 5 क्लास पढ़ना होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, मैक्सिमम अपन से जो भी पूछ सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ही पूछेंगे, उसके अलावा नहीं।
कैलकुलेट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग, मैं ना यहां पर स्ट्रक्चर बना लेता हूं, उधर रिफ्लेक्शन की वजह से मैं इधर आ गया। तो अपने स्ट्रक्चर बनाए, एक स्ट्रक्चर ये मैं इसी में चेंज करने वाला हूं, एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर में ऐसे बना, राइट, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज, एक स्ट्रक्चर में ऐसे बना, इसी से बनाऊंगा जैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर मेरे पास है, कहीं भी मैंने देखना तुम ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं किया कुछ भी, ये अब मुझसे पूछा कि इनमें बताओ क्या सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, मना कर देंगे, भाई इसमें तो अलग अलग एटम है तीनों के तीनों, तो एक जैसे बॉन्ड कैसे हो सकते हैं, भाई कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड लेंथ अलग होगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड अलग होगा और कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड अलग होगा, तभी तो N2O में आपने से मैं मतलब कुछ बात नहीं कर रहा था, तो यहां आपसे ना आप सिर्फ ये बता सकते हो कि यहां प्योर डबल बॉन्ड नहीं है या प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं, क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और यहां डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहां सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, यहां डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहां डबल बॉन्ड भी हो सकता है या सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब आप यहां ये नहीं बता सकते मुझे कि यहां प्योर सिंगल बॉन्ड है या प्योर डबल बॉन्ड है, बस आप ये बता सकते हो कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं होगा और ना ही बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, बस इतना ही बोल सकते हैं, इधर कैलकुलेट नहीं कर सकते ऐसे अपन कि 4/3 इधर कैसे कैलकुलेट कर लोगे, इधर तो अलग अलग स्टेबिलिटी होगी इनकी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें नाइट्रोजन और कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे है, और इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन पे है, तो सब पे अलग अलग स्टेबिलिटी होगी, मतलब इन तीनों के स्ट्रक्चर जो है ये तीनों स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं हो सकती, इन तीनों में जो स्टेबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी, तो कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन और पर कार्बन, तो देख लो किसमें कार्बन और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, अब ऑक्सीजन और कार्बन बोल दो भाई, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन का क्या करें, तो अपन कहेंगे भाई इन दोनों में चेक करना है अपन को, भाई ये तो सबसे ज्यादा हो गया तो अब इन दोनों में चेक करना है अपन को, तो दोनों में ही कार्बन पे है, तो अगर ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए इसमें कम से कम अपन कहेंगे ऑक्सीजन पे, उसमें तो नाइट्रोजन पे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो अपन कहेंगे फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कार्बन के लेफ्ट में यहां पर नाइट्रोजन लिखा हुआ है, वो स्ट्रक्चर तो वही बनाऊंगा ना, ये नाइट्रोजन लिखा था मैंने, इसने पूछा मुझसे कि वो क्या लिखा हुआ है, ये नाइट्रोजन है, क्योंकि सब में एटम तो सेम ही रखूंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम थोड़ी चेंज हो सकते हैं कभी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, अच्छा नेगेटिव चार्ज अगर मैं तुमसे कहूंगा अच्छा भाई नेगेटिव चार्ज बताओ F पे ज्यादा स्टेबल होगा या ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे स्टेबिलिटी ज्यादा, क्यों, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, तो उस पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं, अच्छा, तो
तीन एटम थे मेरे पास, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो जिस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर दो और बच्चे मेरे पास, तो मैं कहूंगा इन दोनों में आप ज्यादा स्टेबल कौन, तो भाई कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो फिर डिफरेंस कहाँ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो ज्यादा स्टेबिलिटी सी की हुई। तो इसका मतलब है बी सबसे ज्यादा स्टेबल था, फिर सी था और फिर ए था, ये अपना आंसर था स्टेबिलिटी के लिए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो उनसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यही पूछेंगे अभी बस, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो मैंने स्कूल के लिए बता दिया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे अपन। और फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना आ गया कैसे अपन को, जैसे इसमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो वो तो लिखा ही हुआ है, इन दोनों पे माइनस वन और इन दोनों पे जीरो, इस पे जीरो, तो जिस पे जो चार्ज लिखा है वो उसका चार्ज ही तो है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आ गया, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बता देंगे, लेकिन स्कूल के लिए पूरा मेथड लिखना पड़ेगा। मैंने आपको कार्बोनेट पहले भी बताया था, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा स्कूल में अपन को सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये वाला या फिर ओजोन वाला, बस इन दोनों के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। ओजोन में भी दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल होंगे, बिकॉज उसमें भी 3/2 आ रहा था, तो उसमें भी इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये अपन लिख के बता सकते हैं, ये रेजोनेंस। अब रेजोनेंस फॉर्मूला मेनली अपन को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, ये इनऑर्गेनिक में तो बस वैसे ही अपन ने थोड़ा सा चेक कर लिया, अगर इसमें कब पढ़ना भी था तो अपन को लास्ट में पढ़ना था। मैं लास्ट में फिर एक बार अपन रेजोनेंस फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे अभी आप स्कूल में भी क्वेश्चन, क्योंकि स्कूल में तो 100% आने वाला है, व्हाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स ऑफ ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ कार्बोनेटाइन आर इक्वल, पेटेंट क्वेश्चन है वो आएगा, ठीक है। रेजोनेंस अपन को इससे ज्यादा नहीं चाहिए, अभी अपन ने पूरा रेजोनेंस पढ़ा नहीं, रेजोनेंस पढ़ेंगे बहुत टाइम, अपन कंटिन्यू वापस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे वापस आते हैं, इसलिए मैंने कहा वो बीच में ये क्यों डाल दिया मुझे भी नहीं पता, बट अपन को वापस अपन कोवेलेंट कंपाउंड पे आते हैं, वो सीक्वेंस है पढ़ने का। तो अपन पहले पढ़ रहे थे, अपन ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोवेलेंट। जैसे अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लिखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, वैसे अपन को अभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, तो अपन उसको अभी नहीं करते हैं प्रॉपर्टीज कोवेलेंट, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आऊंगा कोवेलेंट कंपाउंड, अभी तो मुझे काफी कुछ बताना है कोवेलेंट में। जैसे बीच में कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना सर, व्हाई इट इज ClCl3 इज having a covalent bonding, उसको covalent compound जैसे क्यों बोलते हैं, तो वो मैं बताऊंगा, आप वेट करो। उससे पहले अपन पढ़ने वाले types of covalent bond, तो अब अपन पढ़ते हैं types of covalent bond। types of covalent bond, mainly there are two types of covalent bond. There are two types. अपन एक काम और कर सकते हैं, जैसे अपन को बीच में रेजोनेंस पढ़ना पड़ा ना, अपन ऐसे बीच वाले पार्ट को हटा देंगे, अपन उस सेक्शन को छोड़ दिया करेंगे, वो सीक्वेंस में बाद में आता है। ठीक है ना, वो सीक्वेंस में बाद में आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और मैं उसको सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगा जब मुझे लगेगा कि नाउ यूर, क्योंकि अपन ने इसमें क्या पढ़ा, अपन ने रेजोनेंस में अपन ने सिर्फ सीखा है कि ऐसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर देना
और ऐसे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बता देना, तुमने पढ़ा नहीं रेजोनेंस, ठीक है ना? तो फिर ऐसे पढ़ेंगे नहीं, पर सीखेंगे सारी चीजें, तो जब मुझे लगेगा कि आप अब आप पढ़ लो उसको तो तभी पढ़ा करेंगे, वरना उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा दिमाग में चलता है सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, और जब मुझे लगेगा यू आर रेडी टू राइट ना अंडरस्टैंड तभी पढ़ा करें, और वरना अपन सीक्वेंस में चलने देंगे। सो अपन क्या करेंगे, देर आर टू टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक बोलते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड और एक बोलते हैं अपन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। और एक होता है पाई बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड अ पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अब पहले से अपन को ऐसे पता रहेगा कि भाई देखो, अगर किसी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अपन कहेंगे वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तीन से ज्यादा बॉन्ड होते नहीं, ये तो मैंने आपको बताई, तो इस मॉलिक्यूल में वन सिग्मा होगा और इसमें टू पाई बॉन्ड्स होंगे, मतलब इसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। ये हमेशा होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ही सिग्मा होगा, दोनों पाई होंगे बाकी। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। वो क्यों होते हैं वो देखेंगे। तो ठीक है, अपन लिखेंगे भाई सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर अपन से डिफरेंस पूछेंगे तो अपन बता देंगे भाई पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट अ पाई बॉन्ड, बट अ पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ सिग्मा बॉन्ड। कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। Exist without sigma. एक बात। दूसरा बात, sigma bond जो होता है वो ज्यादा strong होता है than a pi bond. So sigma bond is more strong. Bond is stronger than pi. Then pi. ऑब्वियसली बात है, इसमें लिखेंगे वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। फिर अपन लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये नहीं कहा आपसे कि मतलब सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड का मतलब है दो मार्कर ब्रेक करने और सिंगल बॉन्ड का मतलब एक ही मार्कर को ब्रेक करना। So double bond, triple bond will be more stronger than single bond. Double bond will be more stronger than single bond. But sif sigma or pi may compare karoge, to sigma bond is stronger than the pi bond. ठीक है। जो sigma bonds होते हैं ना, it is formed by, अब हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे क्योंकि जैसे ही सिग्मा और पाई बॉन्ड आएंगे तो अपन ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। फॉर्म बाय ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब होता है जैसे एस ऑर्बिटल होते हैं ना तो उसका एक रीजन होता है, पी ऑर्बिटल का भी एक रीजन होता है, वो डंबल शेप ऐसे बनाता है। तो अपन कहते हैं भाई ओवरलैपिंग ऑफ एस, एस के साथ ओवरलैप करे, एस पी के साथ ओवरलैप करे या पी और पी के साथ ओवरलैप करे, मतलब एस एंड एस से भी बनेगा
एस और पी से भी बनेगा, सिग्मा बॉन्ड और पी और पी से भी बन सकता है सिग्मा बॉन्ड, किसी भी ओवरलैपिंग से बन सकता है। बट ये सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग में ही पॉसिबल है। सो राइट दैट इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी पी और पी डी और डी और डी। मैंने यहां पर डी की बात नहीं की थी, मैंने उसमें डी की बात नहीं की, कर लेते हैं अपन उसमें डी की बात। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें डी और पी में भी बन सकता है और राइट ना, दैट इज पी एंड डी एंड डी एंड डी में, मतलब सिग्मा बॉन्ड ऐसे सभी बन सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी कैसे ओवरलैपिंग, बताऊंगा मैं आपको कैसे करेंगे। सो सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट विदाउट अ पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वीकर देन सिग्मा बॉन्ड द पाई बॉन्ड, और ये इस टाइप के ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, मेनली जो ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होता है type of covalent bond. Next we can write is sigma bond. तो sigma bond दो atom के बीच में हमेशा stable होंगे, तो आपने लिखा वो stronger है तो stable भी होगा, जो stronger होगा वो stable भी होगा, तो they are more stable, they are more stable between atoms, stable between atoms. These are less stable between atoms. तो आपने देखा जब अपन resonating structure बना रहे थे ना, तो मैं हमेशा pi bond को इधर उधर बना रहा था, लेकिन single bond सभी जगह था, pi bond अलग अलग आप बना रहे थे, are less stable than sigma bond. ये हो जाता है। तो pi bond is less stable. अगर अपन बात करें भाई सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लाइक दैट ना, तो वी कैन से दैट जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा ना वो छोटा भी होता है, और जो बॉन्ड वीक होता है बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ तो जल्दी टूट जाता है, छोटा बॉन्ड इजीली नहीं ब्रेक होता। सो वी कैन राइट दैट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात कर देंगे अपन थोड़ा सा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑफ बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। तो फोर्थ पॉइंट ही है ना, अब फोर्थ पॉइंट में ही लिख रहा हूं मैं, इधर अपन लिख सकते हैं, इसमें लिख देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में। और बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे अगर अपन, तो विल राइट दैट सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। ऑब्वियस ही बात है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, ऐसे बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, वी कैन से लाइक दैट। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये ओवरलैपिंग की, यहां से अपना मेनली जो होता है वो पार्ट अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग का शुरू होगा, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग्स। तो अपन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग्स नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी अपन इतना ही पढ़ते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग में ना आप जो रेजोनेंस वाला पार्ट है ना वो भी आपको सॉल्व करना है, और फर्स्ट लुईस ऑक्टेट वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। तो केमिकल बॉन्डिंग इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स। तो केमिकल बॉन्डिंग वन का एक्सरसाइज वन से आप होमवर्क ऐसे लिख लो, होमवर्क में मैं लिख देता हूं, ये ऐसे हटा देता हूं उधर से। केमिकल बॉन्डिंग वन से, केमिकल बॉन्डिंग वन से आप एक्सरसाइज वन का पार्ट वन एंड टू सेक्शन एबीसी ये सॉल्व कर लेना,
एक तो लुईस ऑक्टेट से रिलेटेड होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, बस उतना ही आप सॉल्व कर लो। बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का कैलकुलेशन होगा वो आप सॉल्व कर लो। तो उसमें अगर कोई डाउट होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अपन फिर डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क में एक्सरसाइज वन का पार्ट वन पार्ट टू है अपने पास, एक्सरसाइज वन का पार्ट वन पार्ट टू और सेक्शन एबीसी वो आपका होगा। अभी इतना ही पढ़ते ठीक है ना। तो आप एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सॉल्व कर लेना ताकि आपको ये पता चल जाए कि अब इनको कोई और डाउट तो नहीं है, अगर डाउट होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा के अपन पूरा पढ़ ही डालेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्लास अगर अपन को मिलेगा तो अपन सिलेबस ही आगे लेके चलेंगे ना, वाई टू गो फॉर दैट। हाँ अगर कोई डाउट होगा तो अपन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार चेक कर लेना। लेकिन अभी अभी जो भी मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बताया ना, वो सिर्फ बताया है कि ऐसे सॉल्व कर देना, आप सॉल्व कर दो, फिर एक बार कंसेप्ट मिलेगा ना अपन को, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक चलो फिर आज इतना ही पढ़ा। सर बाय सर, बाय, थैंक यू, ओके एवरीबॉडी, बाय।